तो इस वक्त की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मालवेला नगर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक का चाकू खरीदने का वीडियो सामने आया। पुलिस अब शक के आधार पर ये सरगर्मी की हो रही है और साथ ही साथ तलाश जारी है। पुलिस की 5 टीमें अब पड़ोसी युवक की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर का ये केस बताया जा रहा है, मालवे नगर का है, जहां पुलिस अब लगातार जांच कर रही है और एक युवक पर शक भी हुआ है और उस शक के आधार पर ही लगातार अब पुलिस जांच कर रही है। चाकू खरीदने का वीडियो सामने आया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कोई सीसीटीवी सामने आया है और उसी के आधार पर जो युवक चाकू खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है और युवक की अब फिलहाल तलाश की जा रही है पुलिस की ओर से। तो पुलिस शक के आधार पर तो मालवे नगर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो एक्सक्लूसिव ये आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जहां पर युवक दिखाई दे रहा है आपको चाकू खरीदते हुए। तो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, ये जो युवक है फिलहाल ये युवक फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता राकेश दादीच। राकेश, क्या कुछ जानकारी देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है इस युवक का। राकेश, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, राकेश के साथ संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको ट्रिपल मर्डर का मामला बता रहे हैं जहां पर जो युवक है वो इस दुकान से चाकू खरीदता हुआ नजर आ रहा है और साफ इसमें जो शक्ल है वो भी दिखाई दे रही है युवक की, लेकिन फिलहाल ये युवक फरार बताया जा रहा है और पुलिस की जो 5 टीम्स जो गठित की गई है वो लगातार जांच कर रही है। राकेश एक बार फिर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस फुटेज को लेकर फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल, जब ये घटना घटी उसके बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हुई और आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि हमने सबसे पहले वो फुटेज दिखाए थे दर्शकों को, उसके बाद जो युवक है उसकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद जो एक टीम है वो आसपास के जो सीसीटीवी थे उनको खंगाला और पास में ही स्थित। राकेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। तो राकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, राकेश ने पूरी जानकारी हमें दी कि जो फुटेज सामने आया, इससे पहले भी एक फुटेज सामने आया था और ये फुटेज फिलहाल आपको सच बेधड़क दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पुलिस ने 5 टीम्स गठित कर दी है और उस जो सीसीटीवी फुटेज है उसी के आधार पर लगातार जाँच की जा रही है।